गुड मॉर्निंग। तो आज एक और मेकअप लुक मैं आप लोगों के सामने क्रिएट कर रही हूँ, जिसको आप कभी भी कर सकते हैं, चाहे आप कॉलेज गोइंग गर्ल्स हो या फिर आपको शॉपिंग पर जाना हो या नॉर्मल घर पे रहना हो। तो एक सस्पेंस है आज के मेकअप लुक में। तो मैंने अपना स्किन जो है फेस वॉश कर लिया है और उसके बाद मैं लगाने वाली हूँ टोनर। ये गुड वाइब्स का कुकुम्बर टोनर है। इसे लगाने से जो आपके ओपन पोर्स हैं वो बहुत जल्दी आपके बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका मेकअप बहुत औसम होता है। और नहाने के बाद, फेस वॉश करने के बाद सबसे पहले आपको टोनर ही लगाना चाहिए। टोनर मस्ट होता है। कुछ भी नहीं मिले तो आप रोज़ वाटर लगा सकते हैं, वो भी एक बहुत अच्छा टोनर है अपने आप में। उसके बाद जो है हम लगाने वाले हैं पर्पल का ये लिप बाम। प्रोडक्ट आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ले सकते हैं, जो मैंने लगाए हैं वो भी ले सकते हैं, इसलिए मैं साथ के साथ बता रही हूँ आपको। ये बहुत औसम लिप बाम है। आपने मेरी कई सारी वीडियो में मुझे यूज़ करते हुए देखा होगा। इसकी पैकेजिंग वगैरह सब औसम है, ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। ये स्किन को, लिप्स को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज कर देता है। और आप देख सकते हैं मेरा जो टोनर है वो एब्जॉर्ब हो गया है। उसके बाद बारी आती है विटामिन सी सीरम की। तो ये है NYB का विटामिन सी सीरम और बहुत 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 सस्ता आता है। इसको आपको ड्रॉपर भी मिलता है इसमें, तो बहुत इजीली आपकी जो स्किन पर ग्लाइड हो जाता है, आपकी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज कर देगा, ब्राइटन कर देगा। और अगर आप रेगुलर बेस पर विटामिन सी सीरम यूज़ करते हैं तो आपका जो टेक्स्चर है स्किन का, कलर है, वो एक से दो टोन लाइटर हो जाता है। तो आपको डेली विटामिन सी सीरम ज़रूर यूज़ करना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं मैं DIY सीरम बताऊं आप लोगों को विटामिन सी का, तो वो मुझे बताइएगा, मैं जल्दी ही आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर दूंगी। तो अब बारी है फेस को मॉइस्चराइज करने की। तो मैं यूज़ करती हूँ बायोटिक की मॉइस्चराइजिंग क्रीम। बहुत अच्छी क्रीम है ये, मैं काफ़ी टाइम से इसको यूज़ कर रही हूँ और स्किन को काफ़ी देर तक मॉइस्चराइज रखती है। तो मेकअप करने से पहले अपने स्किन पर मॉइस्चराइज क्रीम ज़रूर लगाइए। अगर आप मॉइस्चराइज़र क्रीम नहीं लगाना चाहते तो कोई भी एसेंशियल ऑयल लगा सकते हैं, बट जैसे मैंने बोला ये डेली मेकअप है, बिगनर्स के लिए है, तो एसेंशियल ऑयल मैं नहीं बताऊंगी। ये मेकअप लुक सिर्फ चार चीज़ों से मैंने क्रिएट करा है, और वो भी सिर्फ सस्पेंस के साथ, तो वो आपको पता चलेगा। तो ये है सस्पेंस, ना कोई फाउंडेशन ना कोई बीबी क्रीम। आज मैं आपको फेयर एंड लवली से तैयार होना बताऊंगी, क्योंकि जब भी हम नॉर्मल डेज में कहीं बाहर जाते हैं तो हम फाउंडेशन और बीबी क्रीम नहीं लगाना चाहते, और गर्मियों में तो प्लीज़ अवॉइड कीजिए। फेयर एंड लवली बहुत अच्छा ऑप्शन है आपकी स्किन के लिए, एकदम से आपकी स्किन को ग्लो कर देता है। ये कोई कवरेज नहीं देता, बट फिर भी आपकी स्किन एकदम से वाइटन और ग्लोइंग लगने लग जाती है। मैं डेली में फेयर एंड लवली लगाना पसंद करती हूँ, आप अपने तरीके से लगाइए। इसके लिए आपको ब्यूटी ब्लेंडर या ब्रश की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तो आपका अपना तरीका है, जैसे भी आपको लगाना है। आप देख सकते हैं एकदम इसने मेरी स्किन को ग्लोई कर दिया है। थोड़ी सी क्रीम से आपका काम बन जाएगा, बहुत ज़्यादा मत लगाइएगा, थोड़ी लगाइएगा। इसके बाद हमें इसको सेट करना होता है, तो मैं सेट करूँगी पर्पल के कॉम्पैक्ट पाउडर से। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप कोई सा भी कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर सकते हैं। मुझे ये वाला काफ़ी अच्छा लगता है, ये स्किन को एकदम से मैटिफाई कर देता है। आप देख सकते हो जहाँ जहाँ मैं इसको हल्का हल्का लगाऊँगी एकदम मेरी स्किन मैट लगने लग जाएगी। इसकी कवरेज भी काफ़ी अच्छी है वैसे तो, बट आप कॉम्पैक्ट कोई सा भी यूज़ कर लीजिए। मेन तो इसलिए है कि अगर आप बाहर जा रहे हैं तो जिससे थोड़ा सा स्वेट वगैरह आपकी स्किन पर ना आए, और आपकी जो क्रीम है उसको थोड़ा सा सेटल डाउन करने के लिए एक बेस मिल जाएगा। तो आप अपनी आईज़ के ऊपर और नीचे इसको ज़्यादा अच्छे से लगाइए, क्योंकि आँखों के पास ज़्यादा पसीना आता है हम लोगों को। और कॉर्नर पे ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है कि आँखों से पानी बहने लग जाता है, तो कॉम्पैक्ट पाउडर उसको भी स्टे करवा देता है। तो अच्छे से आप इसको लगाइए, नेक पे लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये आपका कॉम्पैक्ट पाउडर लगा कर हो गया। अब बारी है लिप कलर की। मैं लाइनर से पहले लिप कलर लगाती हूँ, जिससे आपकी जो आईज़ है जब आप कॉम्पैक्ट पाउडर लगाते हो तो उनको थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, उसके बाद ही आपको लाइनर लगाना चाहिए। आप अपने लिप्स की शेप के अकॉर्डिंग कोई भी कलर चूज़ कर सकते हो। मैं डार्क कलर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे डार्क कलर पसंद आते हैं, बट जब भी आप कॉलेज या कहीं बाहर जाओ तो आप लाइट पिंक कलर या फिर न्यूड कलर भी ट्राई कर सकते हो, बट मेरा फेवरेट रेड है और मैं रेड ही ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ और रेड ही ज़्यादा लगाती हूँ। इस लिप कलर में खास बात है कि इसमें दोनों साइड लिप कलर है आपका, एक तरफ आपका लिक्विड लिपस्टिक है और एक तरफ आपकी बुलेट है। तो बुलेट मैं लगा चुकी हूँ, हल्के से लिक्विड लिप कलर में और लगा लूँगी, जिससे मेरा जो लिप्स हैं काफ़ी देर तक अच्छे से मॉइस्चराइज भी रहेंगे और काफ़ी देर तक इसकी पिगमेंटेशन भी बहुत अच्छी है, और ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग लिप कलर है।
तो आप देख सकते हो एक लिप कलर से आपके फेस पर बहुत प्यारा ग्लो आ जाता है। और अब लास्ट में मैं लगाऊंगी लाइनर। आप कोशिश करिए कि आप पेंसिल लाइनर ही लगाएं या फिर स्केच लाइनर लगाएं, क्योंकि बहुत ईजीली ये लग जाते हैं और वो आपकी मर्ज़ी है कि आपको मोटा लगाना है या पतला लगाना है। वैसे अगर आप नॉर्मल लगा रहे हैं तो आप थोड़ा सा बारीक ही लगाइए। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये बहुत ईजीली लग जाता है। और जो बिगनर्स हैं वो तो प्लीज़ इसी को ही ट्राई कीजिए। तो देखिए, मैंने अपनी दोनों आईज़ में काफ़ी अच्छे से लाइनर लगा लिया है जैसे मुझे लगाना था, और जस्ट मेरा मेकअप फिनिश हो गया है। अब बारी आती है आपके बालों की। वो आपकी मर्ज़ी है कि आप उनको कैसे करते हो, क्योंकि सबके बाल जो हैं अलग तरह से रखना अच्छा लगता है। मुझे बाल जो हैं खुले रखने अच्छे लगते हैं, और मुझे इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा इन्हें कॉम नहीं कर रही हूँ। आज मैंने इन्हें कॉम नहीं करा है और यही लुक मुझे अच्छा लग रहा है। बट जब आप बाहर जाएँ गर्मियों के मौसम में, आप पोनी टेल कर सकते हैं या बन बना सकते हैं। और मैं ये इयररिंग्स पहनने वाली हूँ आप, जो मेरी ड्रेस से बिल्कुल मैच कर रहे हैं। और जैसे आप सबको पता ही है कि ये मेरे बहुत 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 फेवरेट वाले हैं, तो इसलिए मैं इन्हीं को ही ज़्यादा पहनती हूँ। गोल्ड के रिंग्स कभी उतारती नहीं हूँ, उन्हें उतारे बिना काम चल जाता है। अगर आप चाहते हो कि मैं अपना गोल्ड कलेक्शन दिखाऊं, वैसे बहुत ज़्यादा नहीं है, बट हाँ जितना भी इंटरेस्टिंग है तो मैं दिखाऊंगी अगर आप लोग बोलोगे तो। मेरा मेकअप लुक हो चुका है कंप्लीट। मुझे चाहिए अपने बाल इसी तरीके के, क्योंकि मैं घर में रहने वाली हूँ। आप लोग अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो उनको हल्का सा बांध सकते हैं, कैसे भी कर लीजिए, आपकी मर्ज़ी है। तो ये है मेरा फाइनल लुक। आई विश आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।